हे व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम विकास, वेलकम टू वीटीएस टेक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि वो अपने चैनल पे कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, कस्टम यूआरएल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों कब आप अपना कस्टम यूआरएल इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो कस्टम यूआरएल हमारे चैनल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे दोस्तों, अगर आप कस्टम यूआरएल नहीं क्रिएट किए हैं तो उसके पहले दोस्तों आप अपने चैनल को शेयर करते हैं तो उसकी जो लिंक होती है बहुत ही बड़ी हो जाती है, बहुत भद्दी लगती है देखने में और हमें अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, अगर हम कस्टम यूआरएल क्रिएट कर देंगे तो हम अपने चैनल के लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं, हम खुद का एक लिंक बना सकते हैं अपने चैनल का जो कि हमारे चैनल के नाम से रहेगा और दोस्तों लोग बड़े आराम से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं उस लिंक की मदद से। तो दोस्तों, एक्चुअली कस्टम यूआरएल क्रिएट करने के लिए आपको 100 सब्सक्राइबर की जरूरत है मिनिमम। मतलब दोस्तों, जब आपका यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर हो जाता है तो उसके बाद आपको कस्टम यूआरएल वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है और आप बड़े आराम से यहाँ पे कस्टम यूआरएल जो है उसे इनेबल कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल क्लिक कर सकते हैं पूरा दोस्तों लाइव प्रूफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको उसके लिए करना क्या है, आपको दोस्तों अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहाँ पर जाके आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है और यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको क्लासिक वर्जन अगर आपके पास है तो आप क्लासिक वर्जन यूज करिए। तो उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाना है और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शंस पे चले आना है। और उसके बाद जैसे आप चैनल वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो दोस्तों आपके सामने वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जहाँ पे आप देख ही सकते हैं मोनेटाइजेशन एंड लाइव स्ट्रीमिंग, बहुत से ऑप्शंस हो जाते हैं जिसे दोस्तों आप यूट्यूब चैनल के लिए इनेबल कर सकते हैं। लेकिन इन सबका अलग ही क्रिटिसिया है और दोस्तों जो कस्टम यूआरएल है उसका अलग ही मतलब यूजेस है। तो सिंपली दोस्तों आप जैसे नीचे आएंगे, अगर दोस्तों आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों आपका जो है ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एक कस्टम यूआरएल, और वो दोस्तों अगर आपका 100 सब्सक्राइबर हुए रहेंगे तो आपका वो वाला ऑप्शन इनेबल रहेगा। खैर, तो मैं आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कस्टम यूआरएल यूज कर लिया है, मतलब कि दोस्तों मैं लगा दिया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो दोस्तों अगर आपका 100 सब्सक्राइबर हो गया है तो आपका जो कस्टम यूआरएल वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और दोस्तों आप इसे इनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना है कि आपको दोस्तों उस पर इनेबल पर क्लिक करके आपके सामने दोस्तों कुछ अबाउट चैनल वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर दोस्तों आपका कस्टम यूआरएल अपने आप बन जाता है, वहाँ पर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, वहाँ पर दोस्तों आपका जो कस्टम यूआरएल है अपने आप बन जाता है। सिंपली दोस्तों आपको वहाँ पर दो तीन ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि जो अगर दोस्तों आपके मतलब जो चैनल का नाम है उसे नाम से कई और चैनल है तो दोस्तों वहाँ का आपका जो कस्टम यूआरएल है वहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे आएगा। मतलब आपका मान लीजिए दोस्तों मेरे चैनल का नाम वीटीएस टेक्स है तो मेरे चैनल से पहले कोई इसी चैनल का कस्टम यूआरएल बना लिया है तो दोस्तों मेरे जो मैं कस्टम यूआरएल दूंगा तो दोस्तों मेरा वीटीएस टेक रहेगा उसके आगे 1 नंबर रहेगा या फिर 2 नंबर रहेगा, ऐसे करके आएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आपका जो चैनल का नाम है वो काफ़ी डिफरेंट रहे सभी लोगों से, मतलब आपके चैनल जैसा किसी का चैनल ना रहे नाम, और दोस्तों तब आप अपने चैनल का बड़े आराम से कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको उस पर चूज करके आपको दोस्तों यहाँ पे ओके पे कर देना, उसके बाद आपका कस्टम यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि आप जब शेयर करेंगे ना तो वहाँ पे आपको वो भद्दी वाली लिंक मिलेगी, लेकिन दोस्तों आप जो कस्टम यूआरएल आप तो क्रिएट कर लिए तो वहाँ पे जो कस्टम यूआरएल है उसे आप खुद से लिख के दोस्तों और शेयर करेंगे तभी दोस्तों जो भी लोग उस लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके चैनल पे जाएगा और दोस्तों आपके चैनल को ही विजिट करेगा। लेकिन अगर आप उसे शेयर करते हैं ना तो आपको वही भद्दी वाली लिंक मिलेगी, लेकिन जब आप उस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे तो आपको खुद की लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी खुद की लिंक है दोस्तों, मेरे चैनल से पहले किसी का नहीं चैनल था मेरे नाम से। तो दोस्तों मुझे मेरा जो है कस्टम यूआरएल मेरा खुद का जो जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरा कस्टम यूआरएल मिला है। तो दोस्तों यही कुछ हम आपको बताना चाहते थे कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का डाउट था और आई होप उन लोगों का डाउट क्लियर हो गया और वो बड़े आराम से अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करता है वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एज ऑलवेज डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।